फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल है। खबर है कि कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि भारतीय सेना से सिखों को हटाया जाएगा। दरअसल ये खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले एक ऐसे ही वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाँच के दौरान ये पाया गया कि एक ट्विटर हैंडल द्वारा एक फेक वीडियो को शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करने वाले ट्विटर अकाउंट @simrankaur0507 और @ishalkaur1 के हैं। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से गुजारिश की है कि इस तरह के वीडियो पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर इसे साझा करने से पहले इसकी जांच जरूर करें। आपको बता दें कि जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है, यानी फेक है। और अब दिल्ली पुलिस भी इस वीडियो को लेकर लगातार छानबीन कर रही है। दरअसल इस तरह के वीडियो पोस्ट कर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश लगातार कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद 9 दिसंबर 2021 को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक का एक वीडियो सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये वीडियो तमाम समाचार पोर्टलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है। और इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि भारतीय सेना से सिखों को हटाया जाएगा। दरअसल ये वीडियो पूरी तरीके से फेक है और ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये की गई एक नई कोशिश है। ऐसे में दुश्मनी को बढ़ावा देने और ऐसे में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने की गलत इरादे से इस वीडियो में छेड़छाड़ की गई है और एक नया वॉइस ओवर लगाया गया है, जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बैठक सिख समुदाय के खिलाफ थी। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, जिससे शांति भंग हो सकती थी। ऐसा करना धारा 153A IPC के तहत अपराध है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।